नमस्ते, मैं सरोज पटेल। मैं काफ़ी टाइम से जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी। कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि मैम हम लोग आपके वीडियोस को जो है वो मिस कर रहे हैं, मैम आप कब आप नए वीडियोस बनाएंगे। सो फाइनली जब आपका जो विश्वास है वो स्वस्थ नहीं होते हुए भी कुछ करने का एक जज्बा ज़रूर दिखाता है और एक अलग ही मुझे मोटिवेशन मिलता है हमेशा, चाहे कैसे भी हालात हो। लेकिन लगता है कि वाकई में जो लोगों ने मेरे पर विश्वास दिखाया है वो कहीं टूट न जाए, इसीलिए आज मैं वापस से आपके सामने एक नई चीज़ लेकर आई हूँ और मैं आपसे एक पूछना भी चाहती हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि आप मेरी चीज़ से अग्री नहीं करते हो, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमारी डे टू डे की लाइफ में हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है और कई बार हम इसके चपेट में आ जाते हैं और हम इससे निकल भी नहीं पाते हैं। हम आज जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम कुछ भी खुशियाँ होती है तो हम वो जो खुशियाँ हैं हम वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अब हमने जैसे कुछ नया ख़रीदा, हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। गाड़ी खरीदी, कुछ भी खरीदा, ट्रिप्स पर गए, बर्थडे हुआ, या हम ऐसी कई सारी चीज़ें होती जो हम सोशल मीडिया पर डालते कि देखो आज हमने ये खुशी किया, आज हमारे साथ में ये अच्छा हुआ। हम हमेशा अच्छा तो हम दिखाते हैं, लेकिन हम कभी भी सोशल मीडिया पर हम अपना सैड पार्ट जो होता है, जो हमारी ज़िंदगी में जिनसे हम सफ़र कर रहे होते हैं और जिनसे हम लड़ते होते हैं, वो हम कभी नहीं दिखाते हैं। तो लोगों को तो यही लगता है कि आप बहुत खुश हो, आपकी खुशियाँ हैं, आप बहुत खुश हो। कितने लोग जो हैं वो आपकी खुशियों में खुश होते हैं, प्लीज़ मुझे एक बार बताइएगा। कि हम सोशल मीडिया पर डालते हैं और कई सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स करते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशन, ये वो, बहुत बड़ी बड़ी जो पोस्ट लिखते हैं हमारे लिए। बट कितने वो लोग हमारे लिए वाकई में जेन्यून हैं और कितनी वो हमें केयर करते हैं, ये हमें एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। क्योंकि मैं आपको कोई और दुनिया की नहीं, हमारे भारत की, हमारे देश की, हमारे आसपास कई सारे लोग हैं जो इससे इफेक्टेड होते हैं, मैं उनकी आपको बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता है रियल लाइफ में। ऐसा होता है कि हम जो है एक बड़ी एक्साइटेड होकर के चीज़ें डालते हैं, हम खुश होते हैं, लेकिन हमारी खुशियों में कितने लोग खुश हो रहे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कि मुझे अपनी बात प्रेजेंट करने का सही तरीका नहीं आया हो आपके सामने, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज आप सोचिए कि आपके साथ में लोग होते हुए आपको जताते हैं कि देखो 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल हैं, हम आपका केयर करते हैं, हम आपका इतना केयर करते हैं कि आपके पेरेंट्स भी आपका केयर नहीं करते हैं। कई बार ऐसे लोग भी हमारी ज़िंदगी में होते हैं और हमें लगता है कि ये सब हमारे दुश्मन हैं और एक सिर्फ यही इंसान है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है या अच्छी है, हम ऐसा सोच बैठते हैं। लेकिन कई बार चीज़ें उसके बिल्कुल उलट होती है कि आपके साथ में क्या गलत हो रहा है, आपकी एक एक चीज़ जो होती है उसको गलत तरीके से लिया जाता है, आपके साथ में आपका साथ में रह करके आपके दुश्मन बन जाते हैं लोग। इसीलिए जब हम सोशल मीडिया पर अगर कुछ चीज़ डालते हैं, अगर आप इफ़ यू आर डूइंग रियली वेल, तभी भी लोगों को जेलस होती है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप कैसे अच्छा कर सकते हो, आपको तो अच्छा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया होता है जहाँ पर हम अपनी सारी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, और मेरे लिए तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं भी कई सारी चीज़ें जो हैं जो मैं अपने सोशल वर्क जो है वो लोगों के सामने रखती हूँ, और कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं क्यों करती हूँ, शुड आई स्टॉप इट, क्या मुझे रोक देना चाहिए ये सारी चीज़ें करना, समाज सेवा करना, जो आप लोगों ने विश्वास दिखाया क्या वो मुझे बंद कर देना चाहिए वो विश्वास। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर हम कुछ चीज़ें डाल रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के डालें। कुछ चीज़ें अगर हम प्राइवेट रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। कितने लोग हम मुझसे अग्री करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि आप मुझसे कहीं ज़्यादा जानकार भी हो सकते हो। इसीलिए और प्लीज़ मेरी बात को नेगेटिव मत लीजिएगा, इस बात को पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है लाइफ में और आप बहुत सफ़र करते हो, आपकी पूरी ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए किस पर आपको ट्रस्ट करना है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में रहकर भी
आपको डसने वाले बहुत मिलते हैं। थैंक यू सो मच। किसी चीज़ का बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।